जय हिंद सर। अरे आओ शर्मा, रिपोर्ट आ गई? यस सर। सर ये रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ये रही फाइल। सर इस लड़की के गले पे ब्लेड से वार किया गया है और वार किसी प्रोफेशनल किलर का लगता है, क्योंकि सर वार इतना सटीक था कि दोबारा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इस लड़की की कोई इन्फॉर्मेशन है हमारे पास? यस सर, लड़की का नाम साइना था। वो लोगों को फंसाकर लूटपाट करने का काम किया करती थी और उसके खिलाफ कई अलग अलग पुलिस स्टेशन में मामले दर्ज हैं। ऐसे कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन? वो सुल्तान के टच में थी। तो फिर ऐसा करते हैं कि सुल्तान को यहाँ उठा के ले आते हैं। ओके सर। लेट्स इंटरोगेट हिम। कीप मी पोस्टेड। थैंक यू सर। कॉम्ब्ले। ओ साहब। ये डंडे में तेल लगाया? जी साहब। सुल्तान, मुझे घुमा फिरा कर सवाल पूछने की आदत नहीं है, इसलिए सब साफ साफ बता दे, तूने साइना का खून क्यों किया? सब बोल। सब सब मैंने साइना को नहीं मारा साहब। सुल्तान, तू अच्छी तरह से जानता है हमारे पास और भी तरीके हैं। और हाँ, एक बात अपने दिमाग की दीवार पर पोस्टर की तरह चिपका लेना। अच्छा होगा कि सारे राज तो खुद ही उगलते हैं, क्योंकि निगलने तो हम तुझे हरगिज देंगे नहीं। सब सब पुलिस और क्रिमिनल का रिश्ता तो मियां बीवी की तरह होता है साहब। लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। ऐसे में कोई बात छिपती कहां साहब? साइना तेरे लिए ही काम करते थे या नहीं? हाँ, करती थी या नहीं? पुलिस और क्रिमिनल का मियां बीवी का रिश्ता होता है? तो फिर बता, इस रिश्ते में हस्बैंड कौन होता है? शर्मा। हाँ सर। इसके शरीर से झूठ की खाल को खींच डालो और ऐसा खींचो कि सच साफ दिखाई देने लगे। ओके, बिल्कुल साफ। सर इस लड़की के गले पे वार किया गया है और इस बार भी एक ही वार ने इस लड़की का काम तमाम कर दिया। शर्मा, ऐसा करो, इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इस घर की तलाशी लो। ओके सर। और हाँ, आस पड़ोस के लोगों से भी बात करो, शायद कोई सुराग हाथ लग जाए। एक बात और सर, मरने वाली दोनों लड़कियां हैं और दोनों के गले पर एक ही जैसा वार किया गया है। हो ना हो सर, कातिल कोई एक ही है। शर्मा, कातिल चाहे जितना भी चालाक हो, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। दिन भर ऑफिस में रहते हो, सेक्स है ना? पिकनिक में जा रहे हो, बनके सेक्स है ना? जिस गली से गुजरोगे, अब्बा जान बुलाए जाओ। सर मरने वाली का नाम दीपा था। सर उसका फोन कॉल भी क्लियर है और पास पड़ोस से उसका इतना कोई मेलजोल भी नहीं था, इसलिए वहां से कुछ खास पता नहीं चल पाया। शर्मा, ये लड़की करती क्या थी? सर स्टार नेटवर्किंग में सीए के पोस्ट पर थी। क्या कहा तुमने? स्टार नेटवर्किंग सर। स्टार नेटवर्किंग। तुमने कंपनी में इन्वेस्टिगेशन की? सर मैं कई बार इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कंपनी में गया, लेकिन सारा स्टाफ पिकनिक पे गया हुआ है। पिकनिक पे? यस सर। शर्मा, तो पता लगा आखिर ये पिकनिक स्पॉट है कहाँ? आ
तफ्तीश करने के बावजूद भी हम वहीं पे खड़े हैं जहां से हम चले थे। शर्मा, आसमान पे थूकने वाले अक्सर उन छींटों को मिटाना भूल जाते हैं जो सबूत बनकर उनके चेहरे पर पड़े होते हैं, बस इससे पहले कि वो मुंह धोने हमें उन तक पहुंचना होगा। सर, साइना मर्डर केस में सुल्तान एक अहम कड़ी था और उस सुल्तान की अभी तक कोई खबर नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, कब? तू एक काम कर, उस पर नजर रख, हम अभी वहां पहुंचते हैं। सर, सुल्तान का पता चल गया है। सर, पूरे शहर ने हमारे खिलाफ मोर्चे खोल दिए हैं, लोग सड़कों पर उतर आए हैं, मीडिया वाले भी चीख चीख कर हमारी नाकामियों के राग अलाप रहे हैं। शर्मा। यस सर। हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसकी गिरफ्तारी हमारी निजात का रास्ता साबित होगी। सीसीटीवी की फुटेज से कुछ तो सुराग हमारे हाथ लगने चाहिए। वो करण को फोन लगाया तुमने? सर, मैंने करण को कॉल किया है, करण आता ही होगा। चेक करो फिर से वो। लो, आ गया। इतना अर्जेंट बुलाया सर आपने? सब ठीक तो है ना? हाँ करण, वेरी वेरी अर्जेंट, हम तुम्हारी बात कर रहे थे। थैंक यू करण। वो ये वो सीरिया जिसमें सीसीटीवी फुटेज है उस दिन दीपा के घर के बाहर की, उसी रात की। इसे तुम अच्छे से खंगालो और देखो, कोई ना कोई सुराग तो हमें जरूर मिलेगा। वो फुटेज देखा क्या सर आपने?